माय गॉड, थैंक यू जजी। मेरी दादी जी के लिए सोनी टीवी ने जो मोटरसाइकिल का प्रॉमिस किया था मुझे लगता है ये वही है। कहीं इसमें भारती तो नहीं? इतना बड़ा थोड़ी है भारती आ जाए। जल्दी दिखाओ यार, बहुत मन हो रहा है। खुल जा सिम सिम। आज बॉक्स में से ऐसी गिफ्ट आएगी कि इतनी खुशी हो जाएगी। इतनी खुशी, और आज गोविंदा सर अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। प्लीज वेलकम गोविंदा जी, सुनीता मैम एंड जीना। ओह माय गॉड, आदि अब लग रहा है कि असली दिवाली इंडियन आइडल में आज हो रही है। इंडियन आइडल पे एक से एक कलाकार देखने मिलते हैं और मैं क्या कहूं कि किस में कितना दम है। यहां तक पहुंचे हम, यहां तक पहुंचना क्या कम है। एक प्रॉमिस आज हम पूरे इंडिया से करते हैं कि गोविंदा जी का परिवार और इंडियन आइडल का परिवार मिलके आज इतनी मस्ती करेगा, इतनी मस्ती करेगा कि पूरे देश में दिवाली का आनंद छा जाएगा। सर, सुनीता जी का फेवरेट हीरो आपके अलावा? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी। किसने बोला आपको? सुनीता जी को किस चीज से डर लगता है? इसे पानी से। गलत जवाब दे रहा है यार, शादी किया ना मेरे से। चलिए दिवाली स्पेशल शुरू करते हैं। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट रूपम भरनारिया। वो रूपम, ये बताइए आज आपने क्या तैयारी की है? हर्ष भैया, आज जो मैं गाना गाने वाली हूँ वो सेलिब्रेशन सॉन्ग है। ओ। और मुझे बस अपना परफॉर्मेंस फुल एनर्जी के साथ देना है। और मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आप पे पूरा भरोसा किया कि आज का परफॉर्मेंस एकदम यादगार बनाऊं। क्या बात है, बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जाए। We'll be right back.
from Amritsar, being a Punjabi, and then singing this kind of a song was so amazing, and it was like a treat to watch. Sachi. Thank you so much. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट. जीवन है जिनकी किताबों की यात्रा, अनुष्का पात्रा. एक मिनट. अनुष्का कहाँ है? अरे आदि, आप हमेशा बुलाते हो ना. हाँ जी. मैंने थोड़ा अनुष्का का चेंजेस करवाया इस बार. ओह माय गॉड. मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो. जी मैम. कि अनुष्का का नया रूप. नया रूप. Lovely. So अनुष्का को भेजो. अनुष्का को. अरे ये अनुष्का ही है. आज इन लोग सब बहुत आपको नजर लगा रहे हैं, तो मैं आपको जरा काला टीका लगा दूं. अभी तो बनता है सच में. किसी का नजर बच्चे को ना लगे. गॉड ब्लेस यू बेटा. क्या खूबसूरत लग रही है. वो चश्मा और शर्ट और जीन्स के पीछे इतनी प्रिटी, इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की है. ओह माय गॉड मैम, ये आपके आपके बिना कैसे पॉसिबल हो सकता था. मैं ऑडिशन से देख रही हूँ. मैंने बोला ये दिवाली का मौका है, थोड़ा चेंज करते हैं. लेट हर लुक लाइक अ गुड डिवा. भैया मैं पूरा ड्रेसअप हो गया, तब मैं ना चश्मा पहनने वाली थी, तो मैम ने कहा कि नहीं चश्मा आज नहीं पहनना है तुम्हें, तो चश्मा उतार दिया मैम ने. अभी तो मुझे कुछ दिख रहा भी नहीं है. तो चलिए अनुष्का, एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए. तालियां. बिल्कुल. फिर कर ले ना जी भर के प्यार.
मैम मैं हर हफ्ता देखती हूँ ना, तो सब मुझे बोलते आप ही बताओ। उनको मैं ऑडिशन से देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आज इनको लाइव देख रही हूँ। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। थैंक यू मैम। आप वहाँ गा रहे हो, मेरा कंधा यहाँ हिल रहा है नाचने के लिए। क्या बात, आप लोगों का ये लाइव, ये म्यूजिक और साथ में आप ये जो गा रही थी, आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए आप लोग ऐसे मेरे दिल से खेलेंगे नहीं। हाय हाय। क्या क्या सुर लगा रही थी, कहाँ कहाँ, उफ बहुत अच्छा। थैंक यू सर सो मच। सर मैं आपको बता दूं कि अनुष्का के जो पापा हैं, यस, वो आपके फैन नहीं सर, वो आपके एसी हैं सर। वो दीवाने हैं आपके सर। आप स्टेज पे आइए सर, आज दिवाली है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, मैं सर को सही देख रहा हूँ क्या? सर कुछ दिन पहले, करीब 5-6 महीना पहले कोलकाता गए थे, तो हम लोग पूरा झुंड बना के गया था, लेकिन सिक्योरिटी इतना टाइट था आपको टाटा भी कर नहीं पाया सर। ऐसा ही सिक्योरिटी आपकी बेटी के लिए लगेगा। सर एक बात कहना चाहूँगा, आपका बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे नंबर वन, हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, अनाड़ी नंबर वन, बहुत सारे फिल्म, आंटी नंबर वन, बहुत आधा दर्जन नंबर वन, बोलूंगा तो हाँ बोलूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। उसमें से एक डायलॉग मैं चुन के रखा हूँ। और मैं जब भी फुर्सत मिलता है मैं चिपकाता हूँ। अभी फुर्सत है सर, चिपकाता हूँ का क्या मतलब? चिपकाइए सर, चिपकाइए। हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मुजरिम हूँ, कातिल हूँ। आप लोग भी मुझे समझते हैं मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन कोई आदमी जानबूझ के बुरा नहीं बनता है। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता है, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता है। वाओ। कोई तवायब जानबूझ के अपने जिस्म को नहीं बेचता है। ओ वाओ। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरे काम करने पर। और आपको मालूम है मैं किस लिए चोरी किया, क्यों चोरी किया? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब समझ में आया कि ये जो गाना गा रही थी वो गाने में सुर जो लग रहे थे वो आर्ट निकला कहाँ से है, वो दिखाई दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।